वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया तो शुरू करता है। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से आईडी शेक शुरू करता हूँ। अभी कुछ लोगों के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दे देता हूँ। मेरे वीडियोस अपलोड करने से लेकर वीडियो रिकॉर्ड करने तक के मेरे कैसा है ना, मेरे अपने बारे में थोड़ा 2 मिनट 2 वर्ड बता देता हूँ। मेरे आसपास ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, मेरे फैमिली मेम्बर में से इतने ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, इतने जलस लोग हैं, इतनी जलसी है उनमें। वो मेरा जो काम है या मेरा जो एजुकेशन है, मेरा पर्पस है, मेरे ग्रोथ है, उसमें बहुत रुकावटें बन रही है। तो वो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एंड बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं काम के बीच में। अब जैसे एग्जांपल, मैं अभी आईडी चेक वीडियो बना रहा हूँ, अभी सडनली कोई ऊपर आ जाएगा टेरेस पे और नाक में दम कर देगा, रिकॉर्ड नहीं करने देते, बोलने नहीं देते, बात नहीं करने देते, ठीक से किसी को रहने नहीं देते, फ्रेंड्स वगैरह किसी को भी घर पे आने ही नहीं देते। कितना रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ना मेरे पे। मेरे को सही में उस कंडीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस देना एंड अपना काम निकालना उस कंडीशन में बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं सीरियसली। जो चीज़ जो लोग मेरे जैसे सिचुएशन को सेम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ना, वही लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। और जिनके लिए मजाक लगता है ना, उनको इग्नोर करो। इग्नोर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। तो आईडी चेक करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे एकदम इरिटेड और पूरा नेगेटिव लोगों को आसपास देखता हूँ मैं, तो और अनफोकस हो जाता है पूरा टारगेट से, कुछ भी नहीं कर पाता। और लिटरली मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फिर वीडियो में बात भी नहीं कर सकता। विदाउट स्पीक वाले जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करना पड़ेगा मजबूरी में। तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पर जो है कॉमिक कार्ड किसका, ये REVX हैरी करके, तो इसके कॉमिक कार्ड चेक करता हूँ मैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कॉमिक कार्ड देख सकता हूँ, काफ़ी अच्छे कॉमिक कार्ड है एंड क्रिटिकल रेट 16 है और क्रिटिकल डैमेज 26 है, ऑल अटैक 39 है और कूलडाउन ड्यूरेशन 24 है। कूलडाउन ड्यूरेशन और मैक्सिमम HP इंक्रीज़ करना है तुमको, थोड़ा सा कूलडाउन ड्यूरेशन 6% इंक्रीज़ करना है और मैक्सिमम HP और तकरीबन 20-25% तक इंक्रीज़ करना है, ताकि तुम्हारा कैरेक्टर का ड्यूरेबिलिटी एंड उसके जो स्टेजेस में ज़िंदा रहने की टाइमर है और लंबा टाइम तक वो ज़िंदा रह सके। अब जैसे कम HP रहेगा तो जल्दी जल्दी कैरेक्टर मर जाएंगे, चाहे वो तुम्हारे PvE के कैरेक्टर हो, चाहे वो गैम्बिट जैसा कैरेक्टर हो या कोई और घोसाड़े जैसा कैरेक्टर हो, उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम रहेगी अगर मैक्सिमम HP कम रहा तो। तो वहाँ पर मैं मैक्सिमम HP इंक्रीज़ करना कॉमिक कार्ड को क्राफ्ट करके। आगे चलता हूँ आगे। अभी टेम्परेचर काफ़ी हाई है, उस वजह से टेरेस भी काफ़ी गर्म है और गर्मी हीट वेव आ रही है, तो उसके वजह से भी काफ़ी दिक्कत हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में। सेंट्री का बिल्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। उसके बाद मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। अभी मॉर्निंग के टाइम पे तो सुबह 5 बजे उठ के रिकॉर्डिंग करना शुरू करना पड़ेगा, मेरे पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फैमिली मेम्बर में से कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो काम में मेरे ग्रोथ में रुकावट बन रहे हैं। मतलब ऐसे लोग हैं ना, जैसे वो हम लोग TV सीरियल में डेवली सोप में जो देखते नहीं क्या सास बहू वाले खेल, बस वैसा ही कुछ सिमिलर खेल मेरे साथ खेलते हैं लोग, मेरे फैमिली के साथ खेलते हैं। तो उस वजह से ग्रोथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास में कुछ स्पेशल पावर्स है या मैं सुपर हीरो टाइप कुछ कैरेक्टर हूँ, तो ये हमारा उससे काम ही खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता मैं। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे कोई भी लॉस को जो है ब्रेक नहीं कर सकता, मैं अपने हाथ में लॉ नहीं ले सकता, कानून हाथ में नहीं ले सकता, डायरेक्ट ये बोलना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता। फ्रस्ट्रेशन बहुत निकलता है भाई, वो बहुत निकलता है इन लोगों की वजह से। मैं कुछ भी फोकस नहीं कर पाता अपने काम पे, पढ़ाई से लेके सारी लाइफ करियर तक डिस्ट्रॉय होने की नौबत आ गई है इन लोगों की वजह से। ऐसे लोग आसपास रहे ना, उस फैमिली में, उस घर में, उस घर के छत के नीचे ग्रोथ होना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग मेरी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं ना, वो अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, थानोस का बिल्ड सही है। सही है बेटा, सही है। ये भी सही है, सही है, सही है, सही है। नी यूनिफॉर्म लेना, अगर क्रिस्टल होगा तो ज़रूर लेना।
और भी बहुत सारे बंदों के आईडी है मेरे पास में, 150 से 200 से भी ज़्यादा बंदों के आईडी है मेरे पास में। मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं चेक करता हूँ एक एक करके। मेरे को सभी तरफ ध्यान देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर देखा, सीटीपी देखा और निकल लिया। मैं मेरे को अच्छे से देखना पड़ता है कहाँ क्या मिस्टेक है, कौन सी प्लेयर्स के कौन से कैरेक्टर में क्या वीकनेसेस हो सकती है और किस वजह से वो हार रहा है, या वर्ल्ड बॉस लेजेंड और नल में फिस्टो क्यों क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, अगर मुझे लगा डाउटफुल तो मैं उस चीज़ को वीडियो में बोल देता हूँ कि ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट करना, ये चीज़ें नहीं चाहिए यहाँ पर से, ये चीज़ें हटा देना। तो उससे प्लेयर्स का बहुत सारा फ़ायदा होता है, तो वो मुझे बोलना पड़ता है, इसलिए मैं चेक करना ज़रूरी है। ये डिफेंस रूल लगा रखा है कैप्टन के गियर में, वो निकाल लेना। वाइपर चालू कर, वाइपर चालू कर, हटा इसे। ये देखो यहाँ पर में ये एक गड़बड़ है, ये ब्लेसिंग शुरू में फिजिकल अटैक प्लस क्रिटिकल डैमेज का जो उरू दिया है ना ब्लेसिंग शुरू, वो यहाँ पर मैं इसको शेरोंग को दे के कोई मतलब ही नहीं था। शेरोंग को ये उरू कोई मतलब ही नहीं है। शेरोंग जो है एनर्जी अटैक करती है, तो उसको फिजिकल अटैक का बोनस दे के कोई मतलब ही नहीं है। तो वो ब्लेसिंग शुरू को हटा के दूसरे एनर्जी अटैक करने वाला ब्लेसिंग शुरू है ना, वो लगा देना। यहाँ पर भी सेम, ठीक है, तुम बिल्ड वीडियो देखते रहना एंड बाकी के जो कैरेक्टर तुमने बिल्ड किया है वो ठीक है, बट उसके अंदर में जो बाकी उरू सिस्टम है एंड आईसोर सिस्टम है उसके तरफ थोड़ा ध्यान रखना। एक वर्ल्ड बेस्ट करके एक फाइट करके यहाँ पर मैं एक बंदे की आईडी है, वो इनवैलिड दिखा रहा है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, कैपिटल स्मॉल लेटर है, क्या इशू है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसको बाद में नोट कर लूँगा।